इसमें आपको मिलते हैं चार तरह के शेड, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये GoPro है, हमें ये जो लेंस है इसका कैमरा लेंस वो हमें निकालना पड़ेगा। और कौन कौन सी चीजें मतलब आपको सेटिंग्स जो करनी पड़ेंगी, व्यू मेरा हाइपर व्यू, अभी नहीं, अभी ही आप ये देखो। गाइस आ चुके हैं वापस हम अपने घर पे। मैंने जैसे वो मोशन ब्लरिंग जो की है वो कैसे की है, उसके लिए बहुत ही छोटी चीज मैंने GoPro पे फिक्स की है। और वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है टेनिसन कंपनी का एंडी फिल्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है, कैसा दिखता है। जैसे कि ये ऐसे आता है बॉक्स में। वो कह रहे होगे कि ये एंडी फिल्टर करता क्या है और इसको क्यों तुमने यूज़ किया है और इससे आप कैसे कर रहे हो, कैसी सेटिंग्स कर रहे हो। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस कैसी थी। तो आप ये देखो कि मेरी पिछली वीडियोस पहले ऐसे थी। और अब ये एंडी फिल्टर लगाने के बाद, कम ऑन मैन, तो मैं यूज कर रहा हूं एंडी 32 नंबर वाला। तो इसमें आपको मिलते हैं चार तरह के शेड्स, नॉर्मल, CPL और ND8, ND16 एंड ND32। ND8 यूज़ किया जाता है गाइस नाइट टाइम पे या लो लाइट, जहाँ पे परफॉर्मेंस लाइट की बहुत कम हो तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और जब ठीक ठाक सनी डे होता है तब हम इसको ND16 यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको और डार्क टेंट करना है तो ND32 आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं कह रहा था कि ये मोशन ब्लर वो सब ये कैसे चीज कर रहा है भाई, एक ये आपको पार्ट चाहिए, ठीक है, एनडी फिल्टर। इसको कहते हैं नेचुरल डेंसिटी ग्लास या पता नहीं समथिंग लाइक दैट कॉल्ड दैट। तो आप लोग जैसे जानना चाहते हो कि मैंने ये कैसे किया है, मतलब ये लेने के बाद और सेटिंग्स और भी गाइस करनी पड़ती है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये लगाया तो वो मोशन ब्लर वो जो इतनी हाई स्पीड वो ये सिनेमैटिक व्यू ये सब जो दिख रहा होता है, तो गाइस वो ऐसे नहीं आएगा। सिर्फ ये लगाने से नहीं होएगा, ये आपको पार्ट चाहिए, ये मॉडिफिकेशन आपको GoPro पे करनी पड़ेगी। और ये कैसे होएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये GoPro है, ठीक है, या आपने ये पार्ट ऐसे इस पे लगा दिया, दैट्स इट, सिंपल एंड इजी टू रिमूव, सिंपल एज दैट। और भी बहुत ब्रांड्स आते हैं एनडी फिल्टर टाइप के मॉडिफिकेशन में, वो क्या है वो एक्चुअली कई होते हैं जो जिनमें हमारे को ये GoPro का ये लेंस हमें खोलना पड़ता है, ठीक है, हमें ये जो लेंस है इसका कैमरा लेंस वो हमें निकालना पड़ेगा, फिर वो एनडी फिल्टर फिट करना पड़ेगा, फिर होएगा जाके। बट मेरे को टेलीसिन ब्रांड का काफ़ी अच्छा है,
मैं काफी चीप है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो जाके जरूर परचेज करना अगर आपको ऐसा स्मूथनेस, ऐसी कर्व्स, ऐसी लाइंस, वो सब जो चाहिए अगर आपको। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या लगेगा और कौन कौन सी चीजें, मतलब आपको सेटिंग्स जो करनी पड़ेंगी GoPro में, वो ये है कि सबसे पहले 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे, जो कि जिस पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, व्यू मेरा हाइपर व्यू, 10 बिट कलर रेट है वो मैंने ऑन रखा हुआ है, वो मैंने क्लोज नहीं किया, बिट रेट हाई है, शटर स्पीड, गाइस अब बात यहीं पर आती है, शटर स्पीड हमें डबल रखना है फ्रेम से। अगर नॉर्मली जैसे अगर हमारा 4K 30 है तो हमें शटर स्पीड 1/60 हमारी चलेगी डबल, अगर 4K 60 है तो 1/120 होगी हमारी शटर स्पीड। अब शटर स्पीड एक्चुअली करता है वही मेन काम है इसका, वही चलाता है इसको मेन, वही सब चीजें करता है शटर स्पीड, उससे ही ये सब वो मोशन ब्लर वो सब सिनेमैटिक वो सब उसी से ही आता है, वो एक्चुअली करता गया जैसे शटर स्पीड है, ठीक है। ऑटो पे शटर स्पीड क्या करता है, वो लेंस पे लाइट उतनी ही आने देता है जितनी जरूरत होती है, मतलब कि वो उसको लाइट को ब्लॉक कर रहा होता है ओवर एक्सपोजर से, ठीक है। तो शटर स्पीड बहुत तेज 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 वो ऐसे काम कर रहा होता है ताकि लाइट बहुत कम से कम जाए लेंस में, GoPro के लेंस में। बट अगर हम उसकी शटर स्पीड को हम स्लो कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, उसको टाइम लेते हैं उसको पूरा खुलने और बंद होने में, ठीक है, जैसे 1/120 उसका मैंने स्पीड रखी है शटर स्पीड की, क्योंकि 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डबल होएगी शटर स्पीड, जितने फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उससे ही उससे डबल स्पीड होनी चाहिए आपकी शटर स्पीड की, तो ही वो लाइट को पूरा एक्सपोज नहीं होने देगा, आपकी वीडियो बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। वो बहुत धीरे 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 मूव करेगा तो वो ज्यादा लाइट को आने देगा लेंस पे, तो उससे क्या होएगा आपकी वीडियो एक्सपोज करेगी ज्यादा लाइट, क्योंकि ज्यादा जा रही है लाइट बैलेंस वो सब बिगड़ जाएगा, तभी आपको ये वाला लेंस टिंटेड लेंस ये आपको GoPro पे लगाना है, जिसकी वजह से आपके जितने जो लाइट की वजह से जो एक्सपोज हो रही है वीडियो क्वालिटी वो नहीं होगी, तो ये लगाने से होएगा, ठीक है। मैं यूज करता हूँ ND32, मेरे को काफी सही लगता है, काफी अच्छा लगता है। व्हाइट बैलेंस मैं ऑटो रखता हूँ गाइस, व्हाइट बैलेंस को नहीं छेड़ता। ISO मिनिमम 100 है और मैक्स मैं यूज कर रहा हूँ 400। शार्पनेस मेरी लो है, मेरे को ज्यादा वो शार्प इमेज मेरे को वो नहीं चाहिए। कलर मैं नेचुरल यूज कर रहा हूँ, GoPro के कलर ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा एडिटिंग पे मुझे कलरिंग पे मेरे को ज्यादा अपना वो टाइम नहीं लगाना, मुझे कलर ग्रेडिंग पे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो गाइस ये सेटिंग्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग ट्राई करें अपनी वीडियोस में और आप देखें अगर आपको अच्छी लगती हैं, आप कुछ और आप अपनी तरफ से आप ट्राई कर सकते हो और कुछ मतलब एंडी फिल्टर लगा के या नहीं भी लगा के, बट आई थिंक उसके बिना वो मोशन ब्लर वो सब वो ये कितनी सही इमेज आती है ना यार गाइस, उससे मैंने देखे मैंने आज ही एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत सही लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बनाई। तो ये सब थे मेरे एक तरह से, कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्वालिटी आप ऐसा व्यू आप कैसे लेके आ रहे हो, मेरे पास भी हीरो 11 ब्लैक है, कई लोगों के पास है, कई लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए हैं, बट हमारे को ऐसा व्यू नहीं आ रहा। तो गाइस शायद ये उन लोगों के लिए वीडियोस है, अब आप लोगों को पता लग ही होएगा कि मैं कैसे ये सब चीज़ें मैंने की हैं, मैंने कौन कौन सी सेटिंग्स यूज़ की हैं, तो आप लोग भी जाके ट्राई करो और बताना। तो चलते हैं, बातें बहुत होंगी, चलते हैं वापस राइड पे।